हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 10 सितंबर 2018 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज है उनको कवर करने वाले हैं। आज की इस डिस्कशन में हम 9 सितंबर और 10 सितंबर दोनों की न्यूज को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो आर्टिकल आया है आज, वो है भारत के वीर ट्रस्ट को लेके। तो देखो, भारत के वीर है, यह एक ट्रस्ट है, इसको अभी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर है वो किया गया है। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रस्ट वो काम क्या करता है, किस लिए इसको बनाया गया है, कि यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि क्या यह कोई एनजीओ वगैरह है या फिर किसी तरीके का कोई और पब्लिकेशन वगैरह है। तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए कि है क्या। देखो, भारत की वजह से मैंने आपको बताया है तो यह ट्रस्ट, और मिनिस्ट्री कौन सी आती है इसको, जो इसको रेगुलेट करती है वो आती है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर। क्योंकि आपको पता है कि जो भी एनजीओ वगैरह है उनको बेसिकली रेगुलेट करने का काम है वो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के द्वारा किया जाता है, जबकि यह एक ट्रस्ट है तो इसको भी रेगुलेट बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर है वो करती है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखना है। इस ट्रस्ट का देखो, वो बेसिकली काम ये है कि हमारे देश के अंदर जो भी आर्मी डिफेंस के अंदर बेसिकली काम करते हैं, अगर वो शहीद हो जाते हैं देश की रक्षा करते करते हैं, तो उनको हेल्प को उनकी जो फैमिली है उसको सपोर्ट देने के लिए अगर कोई भी आदमी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना चाहता है, डोनेट करना चाहता है, तो वो इस पोर्टल पे जाकर डोनेट है वो कर सकता है। इवन आप भी चाहो तो आप भी इस वेबसाइट पे जाके, ये आपको जैसे मैंने आपको बताया, गूगल पे आप टाइप करके देख सकते हो भारत के भी, तो आपके सामने ये वेबसाइट मिलेगी और फिर यहाँ जो है डोनेट या कॉन्ट्रीब्यूशन का ऑप्शन है वो अवेलेबल होता है, तो कोई भी यहाँ से डोनेट है वो कर सकता है। तो ये जो पैसा है ये डायरेक्टली जो भी मतलब शहीद होते हैं उनके अकाउंट्स में बेसिकली या उनकी फैमिली को दिया जाता है। तो ये ध्यान है वो हमें रखना है। बेसिकली देखो, हम बात करें भारत के वीर इस ट्रस्ट के बारे में, तो यह एक प्राइवेट इनिशिएटिव था, ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। बस गवर्नमेंट के द्वारा इसे रिसेंटली ट्रस्ट का दर्जा है वो दिया गया है, मतलब प्राइवेट इनिशिएटिव है और इनकम टैक्स से इसमें आपको छूट वो मिलती है अगर आप इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह देते हो। तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। अक्षय कुमार ने इसके लिए काफी कैंपेन चलाए थे स्टार्टिंग में, तो उनके द्वारा इसको काफी पॉपुलर है वो बनाया गया था। तो ये कुछ दो चार फैक्ट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं इसके पोर्टल के बारे में। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है नारी शक्ति अवार्ड के दिन। देखो, हर साल इंटरनेशनल वुमेन डे होता है, उस दिन नारी शक्ति अवार्ड है उनको प्रेसिडेंट के द्वारा डिक्लेयर है वो किया जाता है। तो बेसिकली नारी शक्ति अवार्ड है वो 1991 में स्टार्ट है वो किए गए थे। इस दिन होता क्या है, इस दिन होता यह है कि जो भी सॉरी इस अवार्ड में बेसिकली ये होता है कि इंडिया के अंदर जो भी वुमेन जिन्हें काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया है या उन्होंने बहुत अच्छा ऐसा कुछ काम किया है, इवन वुमेन ही नहीं कोई ऐसा इंस्टीट्यूट हो जिसने भी वुमेन्स के लिए ऐसा कुछ काम किया हो उनको बेसिकली अवार्ड है वो दिया जाता है। तो एक तरीके से इंडिया में हाईएस्ट सिविलियंस अवार्ड है फॉर फीमेल, मतलब वुमेन के लिए, कि महिलाओं के लिए इंडिया में सबसे हाईएस्ट जो अवार्ड है वो है नारी शक्ति अवार्ड, जो कि 1991 से स्टार्ट है वो किया गया था। इसका फैक्ट जैसा यही ध्यान रखना है कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसके द्वारा बेसिकली इस अवार्ड को दिया जाता है। और अहम बात जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वुमेन के लिए, अहम बात इसकी ये हो जाती है कि कोई भी इंस्टीट्यूट हो या फिर चाहे कोई कॉर्पोरेट ग्रुप हो या फिर कोई सिंगल इंडिविजुअल वुमेन हो उनको ये बेसिकली अवार्ड है वो दिया जाता है। कंटेक्स्ट कुछ अभी इसका इस प्रकार था कि अभी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसने अभी मतलब एक तरीके से इसके लिए कैंपेन या ओपन अभी स्टार्ट की है, ताकि जो भी वुमेन या किसी भी इंस्टीट्यूट ने अच्छा काम किया है वुमेन्स के लिए वो एक्चुअली अपना नाम या अपना कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताए, ताकि उसके आधार पर फिर उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको अवार्ड है वो दिया जाए। क्योंकि पहले तो नॉमिनेशन होगा तभी तो फिर अवार्ड दिए जाएंगे, तो ये बेसिकली प्रोसीजर को फोकस किया हुआ आगे चलना जा रहा है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। चलो, आप सबसे पहले ये बताना यहाँ पे कि इंटरनेशनल वुमेन डे कब है, और इस बार इंटरनेशनल वुमेन डे के बारे में आपको बताना है उसके बारे में क्या स्पेशल था, क्योंकि काफी काफी इंपॉर्टेंट है वो हो जाता है। और लास्ट ईयर का जो इंटरनेशनल वुमेन डे था उस मौके पे क्या हुआ था, कुछ इंडिया से रिलेटेड आपको ध्यान हो तो। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है पीसा के बारे में। पीसा का मतलब है प्रोग्राम फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। देखो, बेसिकली जो ये पीसा प्रोग्राम है ये 2000 के टाइम पे स्टार्ट है वो किया गया था, मतलब सन 2000 से इसको स्टार्ट है वो किया गया था। अब उस टाइम पे क्या होता था, इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट है वो करता था। होता क्या है इसमें, इस प्रोग्राम में बेसिकली ये होता है कि जो भी स्टूडेंट होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे उनका असेसमेंट है वो किया जाता है, मतलब एक तरीके से स्टूडेंट्स हैं उनका सर्वे किया जाता है। जैसे कि नॉर्मली जो 15 साल तक के बच्चे होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनसे तरह तरह के जो साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हुए, मेडिकल से रिलेटेड, जिस भी फील्ड से वो बेसिकली बिलोंग करते हैं, और फिर वहाँ से उनका एक तरीके से ऑल ओवर वर्ल्ड में आप बोल सकते हो कि सर्वे सा हो गया कि सभी कंट्रीज हैं वो आपस में मिलकर ऐसा सर्वे है वो कंडक्ट है
को करवाती हैं, और इससे पता चलता है कि भाई कौन कौन सी कंट्री है वो बच्चों को आज के टाइम पे जो फंक्शनल स्किल्स के जो एजुकेशन है वो प्रोवाइड हो करवा रही है। फंक्शनल स्किल का मतलब ये हो गया कि वो स्किल जिससे कुछ ना कुछ आप काम कर सकते हो, मतलब ऐसी एजुकेशन नहीं है कि जो आपके कोई भी काम नहीं आ रही। जैसा कि जो भी हम भी रिसेंटली आप फंक्शनल स्किल में वो आ जाता है कि जैसे आज के करंट टाइम में जो भी इंडस्ट्री की डिमांड है उसके मुताबिक एजुकेशन है वो दी जा रही है, नहीं दी जा रही। कहीं ऐसा तो नहीं है एजुकेशन है वो दी जा रही है काफी अलग और डिमांड है कुछ अलग, मतलब जॉब वगैरह नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट नहीं होगा, तो फिर काफी सारी दिक्कतें वो आती हैं और पुराना नॉलेज हो जाता है। तो इसीलिए फंक्शनल स्किल फोकस है वो किया जाता है, और इसमें जो और भी स्किल होती हैं जो आज के टाइम पे रिलेवेंट होते हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। बेसिकली हर 3 साल में सर्वे वो किया जाता है। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि 2009 तक तो इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और 2009 में इंडिया की रैंकिंग कुछ ज्यादा ही अच्छी आ गई थी, मतलब बहुत बेकार रैंकिंग आई थी, लगभग 72 के आसपास आई थी 74 कंट्रियों में से। तो इसलिए इंडिया ने आरोप ये लगाया कि भाई जो इंडिया के स्टूडेंट्स हैं उन पर ढंग से क्वेश्चन नहीं पूछे गए, उनको मतलब कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, वेस्टर्न कंट्रीज वगैरह वगैरह वो इश्यूज हुए थे। और अभी रिसेंटली कंटेक्स्ट ये आया है कि जो हमारी होम सॉरी HRD मिनिस्टर है प्रकाश जावड़ेकर जी, उन्होंने भी ये डिसीजन लिया है कि एक टीम भेजी जाए और फिर से पीसा का जो प्रोग्राम है वो इंडिया में आयोजित है वो करवाया जाए। और अगर पीसा का एक प्रोग्राम इंडिया में आयोजित करवाया जाता है तो चंडीगढ़ की बात है वो की जा रही है कि चंडीगढ़ में इसको वापस ऑर्गेनाइज है वो करवाया जाए, और वापस स्टूडेंट का असेसमेंट है सर्वे एक तरीके से वो कंडक्ट है वो करवाया जाए। तो ये चीज हमें ध्यान है वो रखनी है। और इंटरनेशनल लेवल पे इसको ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, कौन या कोऑर्डिनेट कौन करता है गाइडलाइंस वगैरह, वो चीज भी थोड़ी हमें ध्यान है वो रखनी है। वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के द्वारा, बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे इसको कोऑर्डिनेट या इसको कोऑर्डिनेट है वो किया जाता है। तो ये पीसा के बारे में कुछ फैक्ट है वो हमें ध्यान है वो रखने हैं कि 2000 में इसको स्टार्ट गया, हर 3 साल में सर्वे करवाता है, और अभी रिसेंटली 2009 में हुआ था लास्ट इंडिया में, उसके बाद इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया, और अभी इंडिया वापस चाहता है कि आज के टाइम की कोडिंग वापस सर्वे वगैरह किया जाए। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मूव के बारे में। मूव का मतलब क्या है, मूव का मतलब मूव ही है, यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म वगैरह कुछ नहीं है। देखो यह एक ग्लोबल मोबिलिटी सबमिट है जो कि अभी रिसेंटली नीति आयोग और डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो इसमें शामिल हैं, इसके साथ ही इंडिया की कुछ इंडस्ट्रीज हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं वो भी इसमें शामिल हैं। यह जो सबमिट है, इस सबमिट में देखो UPSC तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन यही पूछ सकती है कि क्या है नीति आयोग का है, ओनली बाई नीति आयोग या फिर नीति आयोग प्लस डिफेंस मिनिस्ट्री वगैरह। तो हमें यह ध्यान रखना कि ओनली नीति आयोग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नीति आयोग के साथ डिफरेंट मिनिस्ट्री है वो भी शामिल है, कोई एक मिनिस्ट्री शामिल नहीं है। इसके साथ ही इंडस्ट्री पार्टनर है वो भी इसमें बेसिकली शामिल है वो होंगे। देखो ये सबमिट क्यों है ऑर्गेनाइज है वो करवाया जा रहा है, ये सबमिट ऑर्गेनाइज इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं और ज्यादा बूस्ट है वो किया जाए। इसके साथ ही जो मोबिलिटी है मतलब गतिशीलता, मोबिलिटी का आप ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हो कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब काफी स्मूथ होना चाहिए कि लोगों को इजीली तो ट्रांसपोर्ट है वो मिल सके, अफोर्डेबल भी होना चाहिए। इन सारी चीज़ों पर फोकस करने के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो ट्रांसपोर्ट है उसको और ज़्यादा अच्छा बनाया जा सके, इसके ऊपर काम करने के लिए बेसिकली ये ग्लोबल मोबिलिटी सबमिट है वो ऑर्गेनाइज है करवाया गया है। मतलब इसके अंदर कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने की बात है वो की जा रही है। जैसे वो हमारा जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया परिवहन प्रणाली उसको सेफ बनाना, इसका उसको अफोर्डेबल भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो कि लोगों के लिए बहुत महंगी हो तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पाए, इसका स्मूथ रूप से रन करें और क्लीन हो, ऐसा नहीं हो कि काफी ज्यादा पोल्यूशन फैला रही हो, इसका कनेक्टेड भी होनी चाहिए। मतलब जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट होता है ना जिसमें क्या होता है कि काफी दूर दराज की एरिया तक भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए उसके ऊपर फोकस है वो किया जा सके, और इसी के लिए सबमिट है वो नीति आयोग और डिफरेंट मिनिस्ट्री और जो इंडस्ट्रीज है वो शामिल होकर उन्होंने सबमिट है वो किया है ताकि इसमें और ज्यादा संभावनाएं हैं और ज्यादा फ्यूचर को क्लियर किया जा सके। तो UPSC पूछ सकते हैं मूव के बारे में किससे रिलेटेड है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे देश की मोबिलिटी और ट्रांसपोर्ट सेक्टर है इसके स्टेक होल्डर एक जगह आके आपस में जो भी सेफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बढ़ाने के लिए अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो इन सब के लिए बेसिकली काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो कंटेक्स्ट को हमने यहाँ पे डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो आया है हाइफा वार के बारे में। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि हाइफा वार की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है और फिर हम इसे डिस्कस करेंगे। देखो बात ऐसी है, एक सेकेंड कहाँ गए, हाँ ये हाइफा है वो एक सिटी है इजराइल में। हुआ ये था
कि 1918 का जो टाइम था उस टाइम पे जर्मनी ने इसे कैप्चर है वो कर लिया था, उससे पहले मतलब जर्मनी इसने कैप्चर किया था। तो उस टाइम पे जो मित्र राष्ट्र थे उसमें आपको बताया कि ब्रिटेन भी शामिल था, और ब्रिटेन शामिल था, और उस टाइम पे आप हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन है वो एक्चुअली इंडिया के ऊपर उस टाइम पे राज है वो कर रहा था। तो इसलिए इंडिया की कुछ आर्मी थी, कुछ फोर्सेस थी जिन्होंने ब्रिटेन की तरफ से जर्मनी के खिलाफ वॉर लड़ा और इसको हाइफा को स्वतंत्र है वो करवाया था। ये 1918 की बात है बेसिकली। तो अभी इसको 100 साल कंप्लीट हो गए और उसी मौके पे इसके बारे में न्यूज है वो आई है। तो ये चीज थोड़ी हमें ध्यान में रखनी है, क्योंकि देखो इसराइल हर साल सुर्खियों में रहता है और उसकी लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार इसकी लोकेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये इसराइल है, इसराइल के जस्ट इधर में जॉर्डन है, और जॉर्डन के जस्ट इसराइल और जॉर्डन दोनों के बीच में यहाँ पे जॉर्डन रिवर है वो बहती है, मतलब बाउंड्री बनाती है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये गोलान हाइट्स है, बेसिकली ये पहले सीरिया का हिस्सा था बट इसे इसराइल ने कैप्चर है वो कर लिया था 1973 के टाइम पे। ये चीज भी थोड़ा फैक्ट बन जाता है। इसी के साथ ही देखो वेस्ट बैंक काफी न्यूज में रहता है। जो ये वेस्ट बैंक, एक सेकंड, ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा आप देख सकते हो इसराइल के अंदर, और ये देख सकते हो गाजा स्ट्रिप। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है। गाजा स्ट्रिप है वो मेडिटेरियन सी को फेस करता है यहाँ पे, और जो वेस्ट बैंक है वो एक्चुअली जॉर्डन रिवर या जॉर्डन डेड सी है, मृत सागर है, उसको यहाँ पे टच है वो करता है। और यहाँ पे जेरूसलम है जिसको लेकर काफी विवाद भी रहता है इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में। देखो जब भी आपके दिमाग में पैलेस्टीन का नाम आता है तो पैलेस्टीन में दो चीजें शामिल है। इसराइल में क्या हो गया, जो ये वाला व्हाइट व्हाइट पोर्शन दिख रहा है पूरा इसराइल है, और पैलेस्टीन का मतलब हो गया वेस्ट बैंक प्लस गाजा स्ट्रिप, इन दोनों को मिला के वेस्ट बैंक कंट्री के नाम से जाना जाता है। तो सॉरी पैलेस्टीन के नाम से जाना जाता है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान है वो रखना है। तो ये था जो भी कॉन्टेक्स्ट था हमारा, अब हम इससे चलते हैं थोड़ा और डीपली देखते हैं। तो देखो 1918 में जो वार हुआ था उस टाइम पे इंडिया में आपको बताया कि रियासतें थी, तो जोधपुर रियासत और मैसूर रियासत और हैदराबाद रियासत थी, इनकी फोर्सेस ने जाके जो ये हाइफा सिटी है इसको एक तरीके से फ्री है वो करवाया था। और उसी की याद में बेसिकली अभी 100 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो तीन जो इंडिया के अंदर दिल्ली में तीन मूर्ति मेमोरियल है, इस तीन मूर्ति मेमोरियल का नाम भी चेंज किया गया था, वो किया गया था तीन मूर्ति हाइफा मेमोरियल, क्योंकि इंडिया के जो जवान थे उन्होंने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था हाइफा में और उसी को लेकर नाम है वो रखा गया है। तो ये फैक्ट हमें थोड़े ध्यान है वो रखने है। हाइफा सिटी के बारे में यूपीसी पूछ सकती है हाइफा वार से, क्योंकि इंडिया से इसका लिंक है और इसराइल के साथ भी कनेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो आया है 6th बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 2018 के बारे में। देखो जो बेंगलुरु में स्पेस एक्सपो है वो इस बार आयोजित है, वो करवाया जा रहा है, उसको लेके कॉन्टेक्स्ट है वो आया है। और हर दो साल में एक बार ये स्पेस एक्सपो है वो आयोजित करवाया जाता है। किस किस के द्वारा, इस बार आयोजित करवाया जा रहा है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री और प्लस इसरो। तो ये ध्यान रखना है कि इसरो और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज है उनके द्वारा बेसिकली इसको ऑर्गेनाइज है वो करवाया जा रहा है। शॉर्ट में आपको यूपीएससी पूछ सकती है बीएससी 2018। बीएससी 2018 का मतलब है बी फॉर बेंगलुरु, एस फॉर स्पेस, और एक्स का मतलब यहाँ पे एक्सपो से है। तो ध्यान रखना है बीएससी 2018 का मतलब यही है यहाँ पे कि जो बेंगलुरु स्पेस एक्सपो है उसके बारे में बेसिकली, कि यूपीएससी की बार लगेगा कि यार बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह तो कुछ नहीं ऐसा वगैरह, तो वहाँ पे कन्फ्यूज होने की कोई जरूरत है वो नहीं है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखते हुए आगे चलना है। इसके बाद में देखो बात एक छोटा सा फैक्ट और यहाँ पे क्या आता है, इसके अंदर होगा क्या, इस स्पेस एक्सपो का मतलब ये है मनोरंजन मोटो कि हमारे देश की जो स्पेस टेक्नोलॉजी है इसको और ज्यादा थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, और ज्यादा इसकी क्वालिटी को एनहेंस किया जाए। इसके साथ ही जो स्पेस इको सिस्टम है इसकी और ज्यादा से क्वालिटी बढ़ेगी तो हमारे देश का और ज्यादा नाम होगा। जैसे कि अभी आपको बताया कि इंडिया ने हाइएस्ट जो सबसे ज्यादा सेटेलाइट है वो एक साथ लॉन्च किए थे, उसी तरह पे इंडिया कुछ और अपना कीर्तिमान कर पाएगा, मतलब स्पेस का इकोसिस्टम बढ़ेगा तो इंडिया और ज्यादा रिसर्च करेगा और ज्यादा मिशन वगैरह भेजेगा, तो इससे इंडिया की काफी प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सॉफ्ट पावर भी बढ़ेगी। तो इसलिए ये एक्सपो है वो आयोजित करवाया जा रहा है इसरो और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के द्वारा। लास्ट में एक छोटा सा आर्टिकल हुआ है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में। देखो कंटेक्स्ट ये है कि 1893 को मैं जब शिकागो में जो धर्म सम्मेलन हुआ था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने अपना काफी इम्पोर्टेंट स्पीच दिया था और अमेरिका में पहली बार भाई और बहनों के नाम से संबोधित किया गया था, काफी पॉपुलर रहा है, उन सब बातों को आज 132 साल वो कंप्लीट हो गए हैं। और उसी मौके पे वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस है उनके द्वारा सेकंड समिट या सेकंड सम्मेलन है वो अभी आयोजित है वो करवाया गया है। पहला जो सम्मेलन है वो एक्चुअली आयोजित करवाया गया था वो गया था 2014 में, और हर चार साल में आयोजित करवाने की बात है, तो मतलब सेकंड है वो भी 2018 में है, उसके बाद 2022 में होगा। तो इस तरीके से हर दो चार चार साल में आयोजित वो करवाया जाता है। कंटेक्स्ट जैसा आपने यहाँ पे डिस्कस किया, अब देखो जो 1893 में विश्व हिंदू धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो में उसमें हुआ क्या था, उसमें हुआ ये था
कि जो पूर्वी और जो पश्चिमी जो स्पिरिचुअल जो भी मतलब परंपराएं आप बोल सकते हो या फिर जो भी आध्यात्मिक परंपराएं थी उनकी मीटिंग हुई थी, कि पूर्वी जो लोग हैं जैसे कि इंडिया उसमें शामिल हो जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज तो आप जानते हो, उसी तरीके से जो ईस्टर्न कंट्रीज हो गई है बची हुई, उन कंट्रीज के बीच में जो जो मतलब आध्यात्मिकता है स्पिरिचुअल को लेकर डिफरेंसेस हैं, कैसे कैसे उनके आध्यात्मिक थॉट्स वगैरह हैं, उन सब के बारे में बेसिकली यहाँ पे डिस्कस है वो किया गया था। और उसी में स्वामी विवेकानंद ने भाई और बहनों के नाम से संबोधित करते हुए इंडिया को काफी प्रतिष्ठा यहाँ पे दिलाई थी। तो अभी जो देखो सेकंड सम्मेलन आयोजित करवाया जा रहा है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के द्वारा, जो कि आपको पता है इसका मेन मोटो यहाँ पे यही है कि जो भी हिंदू हैं उनके जो भी आइडियाज हैं उनको शेयर किया जा सके और समाज की भलाई के लिए काम है वो किया जा सके। तो क्वेश्चन देखो यहाँ पे बन सकता है वो यही बन सकता है वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का सम्मेलन के बारे में, या फिर 1893 का विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में, इसमें क्या फैक्ट्स वगैरह। तो छोटी सी न्यूज हमें ध्यान है वो रखनी है। तो ये तो थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, बस एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखो हमने यहाँ पे देखा भारत की वीर है जो कि एक ट्रस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा। पहली बात तो यह कि प्राइवेट ट्रस्ट था और इसके अंदर अभी हमने देखा कि इसको ट्रस्ट का दर्जा दिया गया था। इसी के साथ हमने देखा कि नारी शक्ति अवार्ड है उसके बारे में हमने जाना, और फिर हम पीसा के बारे में जाना कि जो कि एजुकेशन के लिए एक तरह से असेसमेंट का काम है वो करता है। इसके साथ ही हमने मूव सबमिट के बारे में जाना जो कि नीति आयोग और डिफरेंट मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री का कोलेब्रेशन है। मेन मोटो उसका यही है कि इंडिया में ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और ज्यादा अच्छा बनाया जा सके। इसके बाद हमने हाइफा के बारे में जाना, हाइफा इसराइल की सिटी, सॉरी जहाँ इसराइल की सिटी है इसके बारे में फैक्ट देखे। इसी के साथ ही सिक्स बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के बारे में जाना जो कि बेंगलुरु में आयोजित है वो करवाया जा रहा है स्पेस टेक्नोलॉजीज और स्पेस इन्वायरमेंट को बूस्ट करने के लिए। इसी के साथ हमने वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस के बारे में जाना कि वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस का सेकेंड एडिशन अभी स्टार्ट है वो किया गया है। पहला एडिशन 2014 में हुआ था, क्यों रीजन भी हमने देख लिया कि अभी 125 साल कंप्लीट हो गए हैं स्वामी विवेकानंद की स्पीच को, उसी बात को लेके। तो फिलहाल की डिस्कशन इतना ही है, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।